गाइज इस OB44 अपडेट के बाद हमारे फ्री फायर गेम के सेटिंग्स के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी के अंदर, कंट्रोल्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, साउंड, रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले, इन सभी के अंदर आप लोगों को नए नए सेटिंग्स देखने को मिल चुके हैं। तो अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है या फिर हाई रैम का डिवाइस है तब भी भाई आप लोग इन सभी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेना, वरना भाई आपका जो गेम है वो अपडेट के बाद सही नहीं चलने वाले। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ऑल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आप लोगों को सारे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, तो सारे सेटिंग्स को आप लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना और गाइस उसके बाद आप लोग अपने गेम को मस्त से खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, एंड चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के काफी करीब तो नहीं लेकिन हाँ, हमें 1 मिलियन बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं बेसिक सेटिंग के बारे में। तो गाइस इस अपडेट में बेसिक सेटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। बात करें इसे हमें कैसे रखना है, तो भाई यहां पर आप लोग देख लो, सेम आप लोग को ऐसा ही रखना है। अगर आप लोग डाउनलोड या फिर अपलोड करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग को यहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप लोग चाहो तो क्लियर कैच कर सकते हो। तो भाई यहां सब तो हो गया, अब गाइस हम लोग आते हैं सेंसिटिविटी के अंदर। तो गाइस सेंसिटिविटी के अंदर इस अपडेट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि भाई पहले से हमारा जो सेंसिटिविटी होता है वो 100 होता है, लेकिन गाइस इस बार आप लोग को 200 सेंसिटिविटी देखने को मिल रहा है। अब काफी सारे लोग एकदम धड़ाक से इसको फुल कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग को फुल नहीं करना है। फुल करोगे तो भाई आप लोग कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। देखो पहले से आप लोग जनरल सेंसिटिविटी जो है वो 100 करके खेलते थे तो आप लोग अच्छे से खेल पाते थे, लेकिन अगर आप लोग अभी 200 कर दोगे ना तो एकदम से दुगना हो जाएगा, ठीक है, और दुगना हो जाएगा तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको 150 रखो या फिर 160 रखो या फिर 140 रखो, अगर आप लोग कंट्रोल करना सीख जाते हो तो उसके बाद आप लोग अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। सेंसिटिविटी के अंदर क्या है कि भाई आपका जो कैरेक्टर हो पूरा घूमने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूं, जस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हम लोग चलते हैं और गाइस मैं आप लोग यहां पर डेमो के तौर पर दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप लोग देखो, यहां पर हम लोग अपने स्क्रीन को कितना ज्यादा रोटेट कर पा रहे हैं। अभी आप लोग देखो यहां पर मैं आप लोग को सेंसिटिविटी को कम करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग आते हैं सेंसिटिविटी के अंदर और गाइस हम लोग हैंड्रेड करके देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये है हमारा 100, ठीक है, 100 हो गया। और गाइस यहां पर हम लोग इस तरीके से हम लोग यहां पर ऐसे करके रोटेट कर पा रहे हैं, अगर हम लोग दौड़ते हैं तो बस ऐसे करके रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहीं पर कर देते इसको 200, ठीक है, तो आप लोग देखो भाई ये कैरेक्टर कैसे उड़ेगा, ठीक है। 200 मैंने कर दिया और गाइस अभी आप लोग देखो भाई पूरा घूम जा रहा है भाई, मतलब आप लोग देखो एकदम से दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग नॉर्मली मूवमेंट करोगे ना, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूं तो उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं गेम खेलता हूं ना तो भाई इतना में देखो पूरा कैरेक्टर घूम जा रहा है, पूरा कैरेक्टर देखो भाई, मतलब खतरनाक है यार। अगर आपके सामने 4 बंदे आ जाएंगे ना तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं मार सकते, क्योंकि यार आपका जो कैरेक्टर हो पूरा घूम जाएगा, मतलब एम ही नहीं जाएगा, तो आप लोग उसको मारोगे कैसे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले इसे कंट्रोल करना सीखना होगा और कंट्रोल आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोग इसको 150 रखना है, उसके बाद आप लोग को ऐसे करके बढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 150 रख लो या फिर 140 150 रख लो और गाइस उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे कंट्रोल करना आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग 200 सेंसिटिविटी पे खेलते हो तब भी गाइस आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और गाइस आपका हेडशॉट रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग हेडशॉट मार सकते हो बहुत ही इजीली, लेकिन आप लोग को सबसे पहले कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग 120 140 रखो, अगर आप लोग पहले से 100 रख के खेलते हो तो आप लोग अभी 120 140 का ही ट्राई करना, पूरा 200 मत करना, ठीक है। धीरे धीरे करके आप लोग बढ़ा सकते हो, लेकिन फिलहाल के टाइम पे आप लोग यहां पर 150 ही रखना, ठीक है। बात करें रेड डॉट की, तो रेड डॉट चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग जनरल के सेटिंग्स के पास ही रखना है रेड डॉट को भी। मतलब जितना आप लोग जनरल रखोगे उतना ही आप लोग रेड डॉट भी रखना। 2x को आप लोग थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है, 2x को थोड़ा आप लोग बढ़ा सकते हो और गाइस 4x को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको 200 भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा 200 से कम ही रखना, ठीक है, 180 190 ऐसे करके रखना। और गाइस स्नाइपर स्कोप आप लोग कैसा चलाते हो, स्नाइपर चलाते हो नहीं चलाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको भी आप लोग बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग फ्री लुक यूज करते हो, वैसे तो मैं इसको यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग करते हो और पहले से आपका 100 है तो आप लोग 150 रखो। अगर आप लोग 200 रखोगे ना तो एकदम से पूरा रोटेट हो जाएगा और आप लोग गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां पर 150 ही रखना, 150 में तो भाई आपका अच्छा खासा रोटेट हो जाएगा और आप लोग को जो भी देखना है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको 140 150 के बीच में ही रखना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा करोगे तो पूरा रोटेट हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, देख ही नहीं पाओगे एनिमी को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग 140 150 पे ही रखना। अभी गाइस हम लोग आते हैं कंट्रोल्स के ऊपर। तो यहां पर शूटिंग के अंदर आप लोग एम को डिफॉल्ट ही रखना और लेफ्ट फायर बटन अगर आप लोग यूज करते हो ग्लूअल लगाने के लिए तो आप लोग इसको ऑलवेज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग स्कोप ऑन करोगे तो इसको यहां पर ये वाला कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको ऑलवेज करके ही रखना, ग्लूअल लगाने में
बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और यहां पर गाइस आप लोग को होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर राइफल, तो इसको आप लोग ऑन ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऑन रखता हूं, तो भाई आप लोग भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करें असिस्टेंस के अंदर, तो भाई यहां पर आप लोग को क्विक वेपन स्विच देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग ऑलवेज ऑन रखना। क्विक रिलोड अगर आप लोग चाहो तो इसको ऑन रख सकते हो, मैं तो इसको ऑफ करके खेलता हूं, लेकिन काफी सारे बंदे इसको ऑन करके खेलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। और गाइस साथ साथ यहां पर आप लोग को रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसियर, इसको आप लोग ऑलवेज ऑफ रखना। इससे क्या होता है ना कि भाई जो क्रॉसियर आपका होता है ना, जिस पर रेड एम आता है, इनिमी का रेड एम आता है, वहीं पर रिलोड का आइकन आएगा, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं होती है मेरे ख्याल से, तो आप लोग इसको ऑलवेज ऑफ ही रखना है, ठीक है। फ्री लुक हो गया, फ्री लुक को मैं ऑफ रखता हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था सेंसिटिविटी में, तो इसको आप लोग ऑन कर सकते हो। फ्री लुक अगर आप लोग यूज करते हो पीछे मुड़ के चलते चलते, रन बटन पर क्लिक करके आप लोग पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो अगर आप लोग ये वाला चाहते हो तो इसको आप लोग ऑन कर सकते हो, लेकिन इसको मैं ऑफ रखता हूं, ठीक है। वैसे तो ऑन ही रखना चाहिए, लेकिन मैं ऑफ रखता हूं, मेरी बात थोड़ी सी अलग है, ठीक है। आप लोग ऑन कर लेना। और गाइस यहां पर ऑटो स्विच गन, तो इसको आप लोग ऑफ रखना, ठीक है। और गाइस उसके बाद आप लोगों को बीआर स्कोर बोर्ड है, तो इसको भी आप लोग ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं ऑफ रखता हूं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आइटम फाइंडर, अब इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप लोग बीआर गेम खेलते हो और कहीं कहीं पे आप लोगों को दूर पे दिख जाता है, आपके पास मेडकिट नहीं है, तो लेकिन दूर पे आप लोगों को दिख जाता है कि भाई सामने में मेडकिट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसे जाकर उठा लेते हो। लेकिन कभी कभी आप लोग इनिमी से फाइट कर रहे हो और सामने में आपको लूट दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो भाई आप लोग भी बोलोगे यार, मतलब आप लोग गड़बड़ा जाओगे, भाई इनिमी को देखो या फिर लूट को देखो, ठीक है। तो आप लोग ना इसको आप लोग रिकमेंडेड टाइम्स में ही करना। अगर आप लोग ऑलवेज ऑन रखोगे ना, तो सामने में इनिमी है और भाई इस साइड में लूट है, तो भाई लूट शो करने लगेगा और उसके बाद भाई इनिमी आपको मार देगा। लूट पे थोड़ा ध्यान जाएगा और इनिमी आपको मार देगा, ठीक है। तो मैं इसको यार रिकमेंडेड टाइम पे, मतलब अगर मुझे मेडकिट की बहुत जरूरत है, मेडकिट नहीं है मेरे पास, तो भाई उस टाइम पे ये फ्री फायर वाले उस टाइम पे शो करते हैं, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर मेडकिट है, इतने मीटर पे जाकर लूट लो, ठीक है। तो मैं इसको रिकमेंडेड टाइम पे ही रखता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसको आप लोग ऑफ भी कर सकते हो, या फिर रिकमेंडेड टाइम पे भी रख सकते हो, या फिर ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेड टाइम पे ही रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ग्रेनेड स्लॉट मिलता है, जो कि मैं हमेशा डबल स्लॉट रखता हूँ, क्योंकि यार मुझे ग्रेनेड और ग्लूअल अलग अलग ही पसंद है। अगर आप लोग एक में रखना चाहते हो तो एक में रख लेना, लेकिन गाइज मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डबल स्लॉट में ही रखो। इसमें गाइज आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होगे और आप लोग को अलग अलग दिखेगा भी ग्रेनेड इतना है और ग्लूअल इतना है, ठीक है। और अगर आप लोग एक खतरनाक कस्टम प्लेयर बनना चाहते हो या फिर कस्टम प्लेयर हो, तो भाई इसको तो आप लोग ऑलवेज डबल स्लॉट ही रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग ग्लूअल स्मार्ट थ्रो मिलता है, तो इसको आप लोग ऑफ रखना ऑलवेज, क्योंकि यार ग्लूअल लेते ही वो लग जाता है, ऑन अगर करोगे तो ग्लूअल लेते ही हाथ में लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑलवेज ऑफ रखना, ऑन मत करना, ऑफ रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को परमानेंट ग्लूअल बटन, इसको आप लोग ऑफ कर देना है। और गाइस यहां पर आप लोग को रन मोड देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग क्लासिक ही रखना, ठीक है। और व्हीकल कंट्रोल्स के अंदर आप लोग वन हैंडेड या फिर टू हैंडेड यूज करते हो, ये मैं आप लोग को वीडियो के आगे बताऊंगा, ठीक है। व्हीकल्स के अंदर भी एक नया सेटिंग है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इन गेम टिप्स, इसको आप लोग डिफॉल्ट ही रखना, ठीक है। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग क्लासिक रखना, सिंप्लीफाइड रखोगे तो बहुत ही छोटा सा आएगा, तो आप लोग क्लासिक रखना, जैसे कि हर बंदे रखते हैं, तो क्लासिक ही रखना, ठीक है। क्रॉसियर टाइप जो है आप लोग न्यू वाला कर लेना, क्लासिक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा न्यू पे खेलता हूं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को डैमेज इंडिकेटर मिलता है, इसको आप लोग न्यू रखना हमेशा। हिट मेकर को आप लोगों को न्यू रखना है, ठीक है। टीममेट इन्फॉर्मेशन को आप लोग को क्लासिक रखना है, ठीक है। टीममेट निकनेम को अगर आप लोग चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो, डिस्प्ले भी कर सकते हो। हाइड करोगे ना तो दिखेगा नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होगे, भाई ये टीममेट है या फिर इनेमी है। आप लोग टीममेट को ही मारने लगोगे, इनेमी पीछे से मार के चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बंदे गड़बड़ कर देते हैं, तो आप लोगों को इसको हमेशा डिस्प्ले करना है, हाइड नहीं करना है, ठीक है। हाइड तब करना जब आप लोगों को वीडियो वगैरह बनाना है, कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना है, तो आप लोग हाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऑलवेज डिस्प्ले रखना है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं व्हीकल के अंदर, तो व्हीकल के अंदर देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना वन हैंडेड टू हैंडेड, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टू हैंडेड ही रखना, क्योंकि टू हैंडेड के अंदर क्या है कि आप लोग अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, वन हैंडेड के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। और गाइस इसको आप लोग खुद से कस्टमाइज भी कर सकते, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था कि आप लोग एक हाथ से हॉर्न भी बजाना था और गाइस चलाना भी था, लेकिन अब आप लोग हॉर्न को इधर उधर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग टुक टुक रिक्शा को चलाओगे ना, तो उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा हॉर्न आता है, ठीक है। मतलब ऐसे टूर ऐसे करके मतलब कुछ बजता है, ठीक है। बहुत ही मस्त लगता है मेरे को, सीरियसली इसी वजह से वो मैं टुक टुक रिक्शा को चलाता हूं, आप लोग भी चलाकर देखना, ठीक है। बहुत ही मस्त सा एक सॉन्ग बजता है, मुझे बहुत पसंद आता है। आप लोगों ने ट्राई किया है या फिर नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और गाइस इसको आप लोग ऐसे जहां भी रखना चाहो वैसे आप लोग खुद से रख सकते हो, ऐसे इधर उधर कहीं पर भी रख सकते हो। और गाइस ये ना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैं अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो अभी मैं अपने जहां पर हाथ रखना चाहो वहां पर मैं ये ऐसे करके लगा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऐसे करके सेव कर देना है, ठीक है। और अगर आप लोग वन हैंडेड करोगे तो वन हैंडेड के अंदर क्या है कि वो गाड़ी ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, इससे आप लोग ऐसे करके कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वन हैंडेड में मजा नहीं आता, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग टू हैंडेड ही रखना है, ठीक है। गाइस हम लोग आते हैं आउटो पिकअप के अंदर, तो ऑटो पिकअप के अंदर यहां पर आप लोग ऑलवेज सारा कुछ ऑन रखना। इसमें क्या होता है कि भाई जो भी आप लोग लूटना चाहते हो ना, वो फटाफट से लूट लोगे, ठीक है। इनेमी आ रहा है, आप लोग फटाफट से बैठो
और लूट बॉक्स पे, और भाई आराम से जल्दी से फट से लूटो और भाई भाग जाओ, ठीक है। और इसको आप लोग खुद से यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो, इन सभी को आप लोग ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोग को प्रियोरिटी के अंदर आना है। और गाइज आप लोग को वेपन पहले चाहिए या फिर एमओ पहले चाहिए, तो मुझे वेपन पहले चाहिए तो इसको हम लोग अप कर देते हैं, ठीक है। वेपन को सबसे पहले हम लोग अप कर देते हैं, और उसके बाद आप लोग ग्रेनेड चाहिए या फिर मेडकिट चाहिए जल्दी, तो वो आप लोग अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो माना अभी आप लोग रिवाइव होके आ रहे हो और किसी भी लूट बॉक्स के ऊपर बैठते हो, तो भाई आप लोग को सबसे पहले वेपन मिलेगा, ठीक है, उसके बाद एमओ मिलेगा, उसके बाद ग्रेनेड मिलेगा। तो इस तरीके से शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है। आप लोग को उठाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फटाफट आपके बैकपैक में चला जाएगा, ठीक है। और इनेमी आएगा तो आप लोग तुरंत फाइट भी कर सकते हो। आप लोगों ने किसी बंदे को नोटिस भी किया होगा कि भाई इतना जल्दी कैसे लूट ले रहा है यार ये, तो भाई वो सब यहां से सेटिंग से शेड्यूल किया हुआ होता है, ठीक है। मैं भी बहुत ही फटाफट से गन वगैरह ले लेता हूं, तो मेरे टीममेट गुस्सा करते हैं भाई कितनी जल्दी लूट लेते हो, तो मैं ऐसे करके लूट लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग खुद से कस्टमाइज कर सकते हो कौन सा आइटम आप लोग को सबसे पहले चाहिए, उसको आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, यहां पर आप लोग को मेडकिट के आगे एक और नया मिलता है, इसको आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, मतलब कितना मेडकिट उठाना है वो आप लोग यहां से खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। मेडकिट के अंदर एमओ के अंदर भी कितना एमओ आप लोग का उठाना है एक बार में, वो आप लोग यहां पर खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइस हम लोग आते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले के अंदर आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग को स्मूथ पे खेलना है तो स्मूथ पे भी खेल सकते हो, यहां पर थंब बनाया गया, तो ये भी काफी सही रहता है। अगर आप लोग का लो एंड डिवाइस है 2 GB का, 1 GB का, 3 GB का, 4 GB का, तो मेरे ख्याल से आप लोग स्मूथ पे ही खेलना काफी सही रहेगा। अगर आप लोग स्मूथ पे नहीं खेलना चाहते तो स्टैंडर्ड पे खेलोगे, तो उसके लिए गाइस देखो यहां पर ऑलरेडी यहां पर देखो एक वार्निंग दे देता है हीट होगा, तो भाई आपका कम से कम भी तो 6 GB का फोन होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड में खेल रहे हो तो 6 GB का फोन रखना, उससे कम है तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग स्मूथ में ही खेलो बढ़िया रहेगा यार, क्यों यार रिस्क लेना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में आप लोग खेलना, और अगर आपका 8 GB का फोन है तो बेझिझक आप लोग अल्ट्रा में खेल सकते हो। मैं भी तो अल्ट्रा में ही खेलता हूँ, 8 GB का फोन है तो अल्ट्रा में आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। इस पर आप लोग हाई FPS नॉर्मल FPS पे भी खेल सकते हो, तो आप लोग नॉर्मल पे ही खेलना। हाई FPS में क्या होता है, बैटरी ड्रेन वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, FPS नीचे में गाइस इसको मैं हमेशा से हाई रखता हूँ, क्योंकि यार मेरा 8 GB का फोन है, इसको अगर आप लोग चाहो तो नॉर्मल रख सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से नॉर्मल ही रहना, हाई में गाइस बैटरी और लैगिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो अभी तो मेरा 8 GB का फोन है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर आप लोग को ग्राफिक तगड़ा चाहिए तो ये वाला रखना, ठीक है, विविड वाला, बहुत ही तगड़ा ग्राफिक आएगा। लेकिन भाई आपका फोन तगड़ा होना चाहिए, कम से कम 8 GB का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग नया फोन लिए हो तो इस वाले के अंदर खेलना मस्त चलेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को इन सभी चीजों को छेड़छाड़ नहीं करना है, सारा कुछ पहले के जैसा ही है, सब कुछ सही है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अभी गाइस हम लोग आते हैं साउंड के अंदर, ठीक है। साउंड के अंदर कुछ चीजें चेंज किया गया है, जैसे कि अगर आप लोग चाहो तो म्यूजिक को ऑफ कर सकते हो, मैं तो म्यूजिक हमेशा ऑफ रखता हूं क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह बनाना होता है, तो म्यूजिक को मैं हमेशा से ऑफ करता हूं। साउंड इफेक्ट को है जो आप लोग आधा कर सकते हो, उसके बाद एलिमिनेशन स्ट्रिक नोटिफिकेशन को आप लोग पूरा कर सकते हो, ठीक है। और कैरेक्टर वॉइस जो है इसको आप लोग ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो, मुझे ऑफ ही अच्छा लगता है, वरना बोलता है एवरीथिंग फॉर द फैमिली तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑफ कर सकते हो। और गाइस देखो नीचे में क्या आ रहा है, एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड, इसको ना आप लोग ऑफ ऑन भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फोन अच्छा है तो इसको आप लोग ऑन कर दोगे ना, तो अगर आप लोग गेम बैक करके, मतलब गेम पूरा कट नहीं करना है, मिनिमाइज करके अगर आप लोग बैक जाते हो ना, तब भी आप लोग अपने दोस्त गेम के दोस्त लोग से बात कर सकते हो भाई, सीरियसली। कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड सेटिंग है, ये अभी नहीं आया, पहले ही आया था। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, लेकिन इसको मैं ऑफ कर देता हूं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऑन करोगे ना तो मिनिमाइज करके अगर गेम बैक भी कर दोगे ना, तब भी आप लोग अपने टीममेट से बात करते रहोगे, ग्रुप में कोई भी टीममेट है तो उसे आप लोग बात करते रहोगे, ठीक है। तो ये काफी सही है, आप लोग देख लेना, अगर आप लोग ऑन करना है तो ऑन कर लेना, वरना आप लोग ऑफ रख सकते हो। और गाइस ये गेम वॉइस वॉल्यूम रेशियो है ना, इसको गाइस आप लोग यहां पर 30-40 के बीच में रखना, ठीक है, 30-40 के बीच में रखना, आप लोगों को जितना भी रखना है 30-40 के बीच में रख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स के अंदर आते हैं, और गाइस इसके अंदर आप लोग जो ग्राफिक क्वालिटी है इसको आप लोग हाई कर देना, अगर आप लोग गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो ग्राफिक क्वालिटी आपका हाई रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। रिकॉर्ड साउंड, यहां पर आप लोग साउंड भी रिकॉर्ड करना है तो भाई यहां पर आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो जितना भी चाहे, ठीक है। और अगर आप लोग लॉबी के अंदर रिकॉर्ड करना है तो इसको भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसको आप लोग ऑफ ही रखना, मैं ऑफ रखता हूं। और गाइस रिप्ले को मैं हमेशा से ऑन रखता हूं, ठीक है, मतलब कि कोई किसी को भी गेम के अंदर मारा तो उसका रिप्ले देखना होता है, तो वो आप लोग ऑन रखना, ठीक है। अभी गाइस हम लोग वाइब्रेशन के अंदर आते हैं, तो वाइब्रेशन के अंदर तो खुद से सेटिंग करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। अभी गाइस हम लोग आते हैं नेटवर्क के अंदर, तो बहुत सारे बंदों का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपके घर में वाईफाई है और गाइस आपका मोबाइल डाटा भी है, दोनों को आप लोग ऑन रखते हो, तो इसको भी आप लोग ऑन ही रखना, ठीक है। ऑन करने से क्या बेनिफिट है कि अगर वाईफाई रहेगा ना, तो अगर वाईफाई अच्छा चल रहा है तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा है आपका मोबाइल का इंटरनेट, तो उससे ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गाइस आपका गेम जो है वो बिल्कुल ही मस्त चलेगा, मक्खन चलेगा, लैग वगैरह नहीं होगा, पिंग इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑलवेज ऑन रखना, ठीक है। बाकी ये देख लेना यार, ये तो नॉर्मल नोटिफिकेशन, तो ये नॉर्मल चीज है। और गाइस हां, एक नया सेटिंग यहां पर आया है, लाइव कमेंट्स इन लॉबी। अगर आप लोग गिल्ड वार खेलते हो तो गिल्ड वार न्यूज के अंदर आप लोग
खुद से लाइव कमेंट कर सकते हो, तो इसको आप लोग ऑन रखना। अगर गिल्ड वॉर खेलते हो तो इसको ऑलवेज ऑन रखना, ठीक है। एक नया सेटिंग है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यही सारे नए नए सेटिंग्स थे जो कि मैंने आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बता दिया है। बाकी अगर आप लोगों को फ्री फायर के और कुछ सेटिंग्स समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछ सकते हो। और गाइस यही सारे नए नए सेटिंग्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।